बरेली की फरीदपुर पुलिस ने 18 मार्च को ही सुनील नाम के एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में युवक की प्रेमिका सहित अन्य तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा सर्विलांस की मदद से किया है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के महिला से पूर्व में संबंध थे, जिसके चलते युवक ने महिला के कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। युवक उन वीडियो से महिला को ब्लैकमेलिंग कर रहा था और पैसे की डिमांड कर रहा था। अंत में महिला ने परेशान होकर पूरे मामले को अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद हत्या की योजना बनाई गई। 18 मार्च को युवक की हत्या महिला के घर कर दी गई और उसके शव को पड़ोस के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने घटना के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो कारण क्या था? 19 मार्च की सुबह थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक मृत शव जो है गांव में ही प्राप्त हुआ था, और इसमें जो मृतक है, मृतक सुनील कुमार पुत्र रामशरण जाटव जो थे, ये थाना फरीदपुर में मृत पाए गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मौत के कारण एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आया था, और पुलिस के द्वारा इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और उसके बाद इसकी विवेचना की जा रही थी। तो विवेचना में पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए, उसमें चार व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए। इसमें सौरभ पुत्र राजकुमार, राजकुमार पुत्र स्वर्गीय पोथीराम, श्रीमती एकता पत्नी सत्येंद्र और सत्येंद्र पुत्र शिवराम। इसमें जो जो मृतक है उसकी पूर्व प्रेमिका, उसका भाई, उसका पिता और उसका पति, ये चारों ही लोग इस हत्या में शामिल थे। और जो कारण के द्वारा बताया गया कि जब ये इनके प्रेम संबंध थे पूर्व में, तो प्रेम संबंधों के दौरान जो मृतक है इसने कुछ इनकी जो इंटीमेट तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो बना लिया था, और उसके आधार पर ये जो मृतक जो ये महिला है उसको ये बार बार ब्लैकमेल करता था, उससे संबंध आगे भी जारी रखने के लिए बात करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर जो ये लड़की है, जो महिला है, इसके द्वारा अपने भाई को बताया गया, अपने पिता को और अपने पति को ये सब बातें बताई गई, और चारों के द्वारा 18 तारीख की रात को ये योजना बनाई गई कि इसको घर पर बुलाकर इसको हम हत्या कर देंगे। तो महिला के द्वारा जो उसका जो सुनील कुमार है, इसको घर पर बुलाया गया रात को 11 बजे, और इसको फिर उसके बाद इसको छत में ले जाकर इसकी हत्या कर दी गई, और उसको फिर साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से जो शव है उसको ले जाकर खेत में फेंक दिया गया, और वहाँ पर इनके द्वारा फिर ये सब चीज़ें की गई। इसमें चारों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हाथ आए, क्या? हाँ, इसमें ये गांव में पूछताछ के दौरान और कुछ सर्विलांस की मदद से ये चीज़ें निकल के आई हैं, और इसमें ये चारों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है।